नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रगति और आपका प्रगति क्लासेस में स्वागत है। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, सबसे पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और साथ ही साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल का नाम भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और अब हम लोग जानेंगे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सात केंद्र शासित प्रदेश 2018-19 के अकॉर्डिंग थे भारत में, और 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेश बढ़े हैं और उन्हीं को लेकर के टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश अब हो गए हैं भारत में। जब भारत के राज्यों की बात होगी तो राज्यपाल आते हैं, और जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात होती है तो वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भारत के 28 राज्य कौन कौन से हैं और वहाँ की राजधानियाँ कहाँ हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन राजधानी और राज्य तो वही रहते हैं। तो एक स्क्रीन पर आप लोगों के चार्ट आ गया होगा। दोस्तों, भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश और वहाँ की राजधानी अमरावती है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी जान लेते हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम YS जगनमोहन रेड्डी है और वहाँ के राज्यपाल का नाम विश्वभूषण हरिचंदन है। दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है और उनके राज्यपाल का नाम BD मिश्रा है। तीसरा राज्य है असम, असम की राजधानी दिसपुर है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है और वहाँ के राज्यपाल का नाम जगदीश मुखी है। चौथा राज्य का नाम है बिहार, और बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है और वहाँ के राज्यपाल का नाम फागू चौहान है। हमारा पांचवा राज्य है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल है और वहाँ के राज्यपाल का नाम सुश्री अनुसुईया उइके है। छठवां राज्य है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है और राज्यपाल का नाम सत्यपाल मलिक है। सातवां राज्य है गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम विजय भाई आर रूपानी है और गुजरात के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। आठवां राज्य है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल है और वहाँ के राज्यपाल का नाम सत्यदेव नारायण आर्या है। नौवां राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम बंडारू दत्तात्रेय है। दसवां राज्य है झारखंड, और झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है और वहां के राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू है। दसवां राज्य है झारखंड, और झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है और वहां के राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू है। ग्यारहवां राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वहां के मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा और वहां के राज्यपाल का नाम है वजू भाई वाला। बारहवां राज्य है केरल, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनारई विजयन है और वहां के राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। तेरहवां राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वहां के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है और वहां के राज्यपाल का नाम लालजी टंडन है। चौदहवां राज्य है महाराष्ट्र,
और महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। 15वां राज्य है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम एन बीरेन सिंह है और राज्यपाल का नाम नजमा हेपतुल्ला है। 16वां राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम कॉनराड कुंगकल संगमा है और राज्यपाल का नाम तथागत रॉय है। 17वां राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम जोराम थांगा है और राज्यपाल का नाम पीएस श्रीधरन पिल्लई है। 18वां राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम नेफियू रियो है और वहाँ के राज्यपाल का नाम आर एन रवि है। 19वां राज्य है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है और वहाँ के राज्यपाल का नाम गणेशी लाल है। 20वां राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम कप्तान अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल का नाम वीपी सिंह बदनोर है। 21वां राज्य है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत तथा राज्यपाल का नाम कलराज मिश्रा है। 22वां राज्य है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है और सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले तथा राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। 23वां राज्य है तमिलनाडु। चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम थिरु इडापड्डी के पलानास्वामी है और तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। 24वां राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम के चंद्रशेखर राव है और वहां के राज्यपाल का नाम तमिलीसै सौंदर राजन है। 25वां राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम विप्लव कुमार देव है और राज्यपाल का नाम रमेश बैस है। 26वां राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और वहाँ के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। 27वां राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और वहां के राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। 28वां राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वहां के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है और वहां के जो राज्यपाल हैं उनका नाम जगदीप धनखड़ है। तो ये रही भारत के 28 राज्यों की सूची और अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ की राजधानियाँ कहाँ हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का नाम भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और वहाँ के मुख्यमंत्री का पद अभी खाली है और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम डीके जोशी है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका पद अभी खाली है और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम वीपी सिंह बदनोर है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली। वहाँ की राजधानी सिलवासा है और वहाँ के मुख्यमंत्री पद अभी खाली है और वहाँ के उपराज्यपाल का नाम प्रफुल्ल पटेल है। चौथा केंद्र शासित प्रदेश है
दमन और दीव, और वहाँ की राजधानी दमन है, और वहाँ का मुख्यमंत्री पद अभी खाली है, और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम प्रफुल्ल पटेल है। पांचवा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम दिल्ली है, और वहाँ की राजधानी भी दिल्ली है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम अरविंद केजरीवाल है, और वहाँ के उपराज्यपाल का नाम अनिल बैजल है। छठवां केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी अभी कोई नहीं है, और वहाँ के मुख्यमंत्री पद भी अभी खाली है, और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। सातवां केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, और वहाँ का मुख्यमंत्री पद अभी खाली है, और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम दिनेश्वर शर्मा है। आठवां केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और वहाँ का मुख्यमंत्री पद अभी खाली है, और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। नौवां केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी, और पांडुचेरी की राजधानी भी पांडुचेरी ही है, और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम वी नारायण स्वामी है, और उपराज्यपाल का नाम किरण बेदी है। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, यही दो राज्य हैं जिनको केंद्र शासित प्रदेश में ऐड किया गया है, और अब भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगर आप इसी तरीके से जनरल नॉलेज की वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।